हेलो दोस्त, अलग टॉपिक थोड़ा सा। और हम कहें कि हम 2 दिन लेट हैं, रिजल्ट आई है 7 को। LMRC जो पहले हम बोलते थे, आज के डेट में UPMRC बोलते हैं, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पोस्ट आप जानते ही हैं, ACTO के लिए 146 या 86 वैकेंसी थी, जिसके लिए 1489 कैंडिडेट को लिया गया है, जिनका एप्टू टेस्ट या साइको टेस्ट होगा, जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बाद। और साइको टेस्ट का 25 से 26 जून तक डेट लगभग निर्धारित किया गया है, एक्सपेक्टेड है अगर सही कंडीशन रहा तो। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, कैसे करें तैयारी। तो दोस्त, इस चैनल पे सब कुछ है, हालांकि व्यू नहीं है, इसलिए लोगों को पता नहीं होता कि ये सारा इतना डिटेल इस चैनल पे है क्या साइको टेस्ट का। तो इस चैनल पे मैं कहूँ आपको 80 से लेके 100 साइको टेस्ट का वीडियो है, और ये किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी हमने 2-3 गाइडेंस आपको यहाँ देने वाले हैं, 3-4 ऑफिशियल दिखाने वाले हैं कि क्या क्या साइको को होगा। और मैं अपने वीडियो भी दिखा दूंगा कि कैसे इसको साइको को क्रैक करते हैं, और हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं आपके साथ यहाँ शेयर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और सारा चीज़ आपको डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले रिजल्ट देखने से पहले हम पहले देखना पड़ेगा कि रिजल्ट आया कहाँ है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 3 वेबसाइट खोल रखा हूँ, लेकिन उस हमें रिजल्ट यहाँ चाहिए इसमें। तो देखिए, इस वेबसाइट में एक खासियत है कि आप इस वेबसाइट में थोड़ी सी गलत देखेंगे तो रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा आपको रिक्वायरमेंट में जाना है। मैं एक बार तो यहाँ पे हम LMRC की वेबसाइट पे हैं, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये वेबसाइट है, लेकिन अभी भी ये चल यहाँ पे लिंक देखिए LMRC.com ही चलता है, क्योंकि लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले इसका नाम हुआ था, बाद में चेंज हुआ है, आपको पहले वीडियो बना के बता दिया गया था। तो यहाँ देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक मिनट मैं इसको बता दूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से करियर में जाना है, जो रिजल्ट नहीं देख पाए हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ आते हैं, जो लोग देख लिए हैं उनके लिए अच्छा बात है। करियर में जाएंगे तो यहाँ देखिए करियर है, लेकिन करियर में आप जाके रिजल्ट में ना जाएँ। यहाँ देखिए पेज में करियर में जाइएगा तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो कर रहा है, रिजल्ट में जाएंगे तो प्रोजेक्ट वगैरह का हायर ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा। आपको जाना है रिक्रूटमेंट 2021 में, रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ से खुलेगा, और ये वाला रिजल्ट वाला पेज आपको खोलना है, तब आपके जाके रिजल्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ रिजल्ट ओपन कर देता हूँ। तो रिजल्ट में देखिए, यहाँ से आपका लिस्ट है पूरे कैंडिडेट का, तो ये लिस्ट आप यहाँ से खोल लेंगे, और साथ में इसका साइको का टेंटेटिव डेट दिया है, एक मिनट मैं इसी में कर दूँ, इसमें दिया हुआ था साइको का टेंटेटिव डेट, तो साइको का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, कहाँ है देख लें एक बार, आपका होम में है, नोटिस फॉर कैंडिडेट पे है, कहीं एक पे दिया हुआ है साइको का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, उसमें आपको एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा, एग्जाम सिलेबस कहीं पे एक बार दिया है, मैं देख चुका हूँ। तो सिलेबस के बाद हम अगर होम में देखेंगे तो होम में दिख जाएगा, ये देखिए होम में दिखेगा जो साइको का आपका 24-25-26 जून का है, और आज हो गया है 9 जून। अगर ये टाइम से होता है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो चलिए, क्या करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम अपनी चैनल से ही शुरुआत करते हैं, बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी आएंगे, तो मैं अपने चैनल पे आ जाता हूँ। ऐसे मैं यूट्यूब पे हूँ, अपने चैनल पे नहीं हूँ, लेकिन अगर अपने चैनल पे जाके हम अगर रेलवे लाइफ सर्च कर ले यूट्यूब पे, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आपको समझाना। तो रेलवे लाइफ आप सर्च करते हैं तो रेलवे लाइफ आ जाएगा चैनल, तो रेलवे लाइफ चैनल पे आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको देखिए, मैं कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो प्लेलिस्ट ओपन होगा, बहुत सारे प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, क्योंकि हमने सबको टाइप कर ली बना के एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया था। तो देखिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, तो ज़्यादा प्लेलिस्ट की इशू नहीं करना है। ये साइको का यहाँ पे एक देखिए प्लेलिस्ट है जिसमें 90 वीडियो है, लेकिन इसमें LP और LP आपका है, ACTO भी है, सबका कॉम्बाइंड है। लेकिन हम मैं नहीं कहूँगा कि इसको प्रिफेयर कीजिए, इसमें गाइडेंस तो अच्छा है, लेकिन LP की इसमें आधी पैटर्न चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका दोनों का पैटर्न का एग्ज़ाम का अलग अलग है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसमें नहीं जाके, आप यहाँ पे DMRC की हमारा प्लेलिस्ट है उसको में जाएँ, LMRC भी है उसमें भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में ही आपको रिकमेंड करूँगा, एक मिनट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मैं एक बार इसको
बट इस ले लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो को तो आपको बड़ा करने के लिए दिखाने के लिए, तो मैं इसको एक बार बैक ले लूँ तो आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि कहाँ पे है ये प्लेलिस्ट। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे पास शो ऑल, एक मिनट इसमें कुछ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, मैं एग्जैक्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, शो ऑल क्रिएटेड प्लेलिस्ट में आएगा, एक मिनट, रिफ्रेश कर दिया मैंने, क्रिएटेड प्लेलिस्ट दे दिया। इसमें आप टोटल आप नीचे की तरफ आएंगे जब वेबसाइट पे जाएंगे तो देखिए LMRC के रिगार्डिंग यहाँ भी जानकारी है लेकिन इसमें और सारी चीज़ें हैं। लेकिन DMRC में जाएंगे तो यहाँ पे हम साइको के लिए थोड़ा सा एक वीडियो का हिंट दिखा देते हैं, क्योंकि LMRC DMRC प्लस आपका जयपुर मेट्रो या जितने भी मेट्रो का एग्जाम है वो एक ही होता है, वो वीडियो क्लास में दिखाऊंगा। तो मैं अभी आ जाता हूँ DMRC में। देखिए बहुत सारे हमारे वीडियो हैं, हम सबका रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, हम एक रिकमेंडेशन आपको करते हैं थोड़ा देख के कि यहाँ पे आपको कौन से साइको का वीडियो प्रिफ्रेंस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका दूंगा ये दोनों पार्ट का वीडियो को आप देख लीजिए, LPSM LMRC साइको टेस्ट कैसे होता है, उसके बाद कुछ एम्बेडेड फिगर टेस्ट का है, फिर आगे दूसरे फिगरों का है डिटेल में, लेकिन ये सबसे बेसिक है, साइको का बेसिक वीडियो है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, कौन सारे आगे वीडियो बना हुआ है तो आप ये देख सकते हैं, जितनी आपकी हो जाएगी सारा हेल्प करेगा आपको आने के लिए साइको से रिलेटेड अगर वीडियो है तो। अब दूसरी बात करते हैं आपके लिए, जो आपकी कैसे हेल्प हो साइको में और कितने लोगों का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले रिजल्ट वाला देखेंगे तो रिजल्ट वाला लिस्ट यहाँ है, देखिएगा टोटल नीचे, अगर हम मैं लास्ट पेज में हूँ तो लास्ट पेज में देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 1479 हैं और सबका नाम रोल नंबर वगैरह दिया है। तो जिनका इसमें नाम है उनको बधाई, लेकिन अभी मंजिल दूर है क्योंकि अभी भी एक स्टेज एग्ज़ाम बाकी है। तो सारे कैंडिडेट अपनी मेहनत करें, अपनी अच्छी सफलता लाए और साइको टेस्ट क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई करना ज़रूरी है, अगर एक ही टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपको इसको मेहनत करके थोड़े से कंसंट्रेशन से सभी टेस्टों में एवरेज करने का कोशिश करना है जो भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब चलिए आगे की बात करते हैं, जो हमने आपकी बात करनी थी, जो एक्चुअल बात बतानी थी आपकी, एक्चुअल बतानी है कि कैसे होता है साइको, इसके लिए तो इसके लिए हम RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, जो हमारे लिए साइको तैयार करती है मेट्रो रेल के लिए और आपका इंडियन रेलवे के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे इस वेबसाइट के साइट पे, तो कैंडिडेट कॉर्नर में आपको जाना है। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे अप टू टेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी गई है, लेकिन हमें जो चाहिए रेलवे मेट्रो का उसको हम पहले नेक्स्ट एक बार करेंगे, वन टाइम नेक्स्ट, टू टाइम नेक्स्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा कहाँ से मैं ले जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर एक आ गया, फिर नेक्स्ट करूँगा, फिर दूसरा वेबसाइट आएगा इसी पेज का आएगा जो LP के बारे में सारा चीज़ बताएगा, फिर नेक्स्ट एक बार और कर लेंगे हम तो और डिटेल आएगा, और इस डिटेल को हम अभी भी भूल जाएंगे क्योंकि LP की चल रही है। लेकिन इसके बाद हम आएंगे, देखिए हमें दो बार टेस्ट नेक्स्ट करने के बाद एक ऑप्शन मिला है प्रैक्टिस टेस्ट का, पहले प्रीवियस और नेक्स्ट आ रहा था प्रैक्टिस टेस्ट का मिल रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन अलग अलग खुल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन खुल गया है, तो देखिए इसमें जितने टाइप के टेस्ट है ना साइको उसको सारा डिटेल में दिया है। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मास्टर गाइडलाइंस, लोको पायलट का OMR सीट में एग्जाम होगा तो ऐसा, CBT में होगा तो ऐसा, मोटरमैन के लिए गाइडलाइन है, और यहाँ देखिए मेट्रो रेलवे टेस्ट गाइडलाइन OMR मोड और CBT मोड में। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हम LMRC या UP MMRC मतलब आपका UP मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करेंगे। सिंपल से आपको बात समझ गया गया, अगर DMRC की बात करेंगे तभी यही लगेगा, जयपुर मेट्रो की बात करेंगे तभी लगेगा, NMRC की बात करेंगे तो यही लगेगा, यानी मेट्रो रेलवे के साइको का पैटर्न यही है और कोई पैटर्न नहीं है अभी फिलहाल, अगर होगा तो बाद में चेंज का उसका नोटिफिकेशन आएगा, यानी यही है। तो हम CBT मोड वाला चलते हैं क्योंकि जनरली कोशिश रहता है कि आपको एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन ही, अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन वाला आप देख लीजिएगा, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, हाँ फिगर वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा बहुत बड़ा आपका मेट्रो रेलवे द्वारा आयोजित मनोवैज्ञानिक परीक्षा के संबंधित है। इसमें क्या करना है ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आपको पता चलते रहना चाहिए कि आपकी क्षमताएँ क्या है, क्यों लिया जाता है परीक्षण उसके लिए है, यह परीक्षण किसके लिए सहायक है, क्या हेल्प है, परीक्षा में किस तरह का लाभदायक होगा,
तो आपको सही चीज़ें को आपको ध्यान से करना है, बाकी सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये OMR शीट भी हमें नहीं देखना है, और यहाँ पे हमें आना है परीक्षा का पैटर्न, मेट्रो रेलवे की परीक्षा में क्या कहता है आपका ध्यान से देखना है, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो मैंने जो वीडियो बताया था उसमें ये मिल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेस्ट होते हैं, 6 टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है 6 के 6 टेस्टों में। तो बुद्धि परीक्षण, स्मृति परीक्षण, एग्रता, व्यक्तित्व, फील्ड इम्पिडेंस और आपका प्रतियात्काल परीक्षण, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ नीचे है इंटेलिजेंस, मेमोरी टेस्ट, कंसंट्रेशन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, फील्ड इंडिपेंडेंट टेस्ट और रिएक्शन टाइम टेस्ट। रिएक्शन टाइम टेस्ट को कई बार हम डेली मेट्रो के टाइम टेस्ट में कहते हैं, इसको मशीन टेस्ट, जिसमें सिग्नल दिया जाता है सामने और सिग्नल में 3 लाइट अलग अलग होती है, कंप्यूटर पे ये टेस्ट होता है, और यहाँ आपके पास बटन की बटन होती है, अगर रेड जला तो रेड वाला बटन दबाना है, ग्रीन वाला पे ग्रीन, और येलो जला तो येलो, या आपकी जो भी जली उसी टाइप से वाइट जली तो वाइट, 3 बटन होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है, इसमें रिएक्शन देखिए, रिएक्शन टाइम मिली सेकंड में, नैनो सेकंड में आती है उसमें, तो इसका रिएक्शन आपको 600 नैनो सेकंड या जो भी आता है इससे कम रखना चाहिए। हालांकि रेड देख के रेड बटन कोई भी दबा सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी, लेकिन इसमें कितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हैं वो आपका टेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। कोई लोग कहते हैं कि मैंने तो सारा आंसर सही दबाया लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, अगर रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा चला गया तो दिक्कत है। तो चलिए एक एक टेस्ट के बारे में, यहाँ सारी चीज़ दिया हुआ है, नमूने दिए हुए हैं, OMR शीट है। देखिए पहला ये है आपका एम्बेडेड वाला, और मैं वीडियो बताया हूँ वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर अभ्यास 2 के लिए है दिया हुआ। तीसरा आप कहेंगे तो यहाँ पर आपका ये मेमोरी टेस्ट के लिए कह सकते हैं, फिगर के लिए है। तो पहले क्या होता है, 2 मिनट में आपको इसको देखना होता है, इस फिगर को, उसके बाद इसके फिगर को बंद करके आपको बताना होता है कि कुर्सी कितने नंबर पे था, पर्स कितने नंबर पे था, आपका चार्जर का लीड कितने नंबर पे था, कैंची कितने पे था। तो इसको ध्यान से अटेंड करना होता है, नंबर याद करना होता है, और सबसे पहले ईजी जैसा नंबर हो उसको याद करना होता है, वो बात आगे मैं वीडियो में बताते रहूँगा जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे। उसके बाद आपका ये सारा टेस्ट का अगला पैटर्न ये वाला आता है, ये भी पैटर्न थोड़ा सा ईजी ही है, लेकिन इसमें क्या होता है ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब फिगर एक जैसे कभी कभी लगने लगते हैं, और एग्ज़ाम का टेंशन में और एक जैसा लगने लगता है। उसी तरह अगला टेस्ट की बात करेंगे तो अगला टेस्ट आपके पास ये आता है, जिसमें आपको उसी फिगर को रिपीटेशन करने का दिया है, और ये दिया है, और ये एक और टेस्ट आपका यस नो टेस्ट है, इसमें कोई आंसर सही नहीं होता, लेकिन आपको सबसे पॉजिटिव सोच के आंसर देना होता है इस टेस्टों में। तो ये सारा प्रकार है, और इसकी प्रकार का हमने सारा चीज़ें मैंने आपको उस पर दे रखा है, मैंने वीडियो के द्वारा दे रखा है। तो ये देखिए मशीन टेस्ट के लिए भी आपको जटिल प्रत्याकर प्रशिक्षण दिया है, मैं जो पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि मैंने साइको CRO का DMRC में ACTO का 2 बार दे चुका हूँ, और एक बार सक्सेस हुआ था, एक बार इंटरव्यू में फेल हुआ था, लेकिन मैं ये जॉब नहीं किया था, मुझे पता है कि ये जॉब नहीं चाहिए थी। तो ये जॉब आपको देख सकते हैं, इसके बारे में आपकी सारी चीज़ें डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप देख के उसको करना होता है, लेकिन ये मशीन पे टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, और अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से सोचिए, साइको टेस्ट हो जाता है, यही एक इसका ख्याल है। तो एक बार और छोड़ दूँ अपने प्लेलिस्ट में, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से DMRC या साइको टेस्ट से आपको हो जाएगा, और ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और मेरा 2 साइको का अगर कहें बात, तो मैंने अपने वीडियो भी बना रखा है कि कब उस साइको दिया था मैंने, 2008-2009 में, बहुत डिटेल मिल जाएगा हमारे बारे में, अगर जानना है तो बहुत सारे डिटेल है, कुछ यहाँ भी डिटेल है, लेकिन इसमें प्रूफ कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरा रेलवे सफ़र अगर सर्च करेंगे हिंदी में लिख के यूट्यूब पे, मेरा रेलवे सफ़र, तो कुछ मिल जाएगा, 100% तो नहीं मिलेगा, रेलवे सफ़र कुछ तो मिलेगा आपको। तो चलिए आगे आपकी जैसी च्वाइस आएगी उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं कि साइको की कैसे करें तैयारी। हो सकता है 2-3-4 दिन में मैं कुछ आपको हेल्प कर पाऊँ, लेकिन कमेंट के बाद। थैंक यू।